हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त अनीता प्रसाद और आज मैं आपको कटहल की सब्जी अपने तरीके से बनाना सिखाती हूं। तो आइए देखते हैं उसके लिए क्या क्या सामान लगेगा। देखिए, ये मैंने कटहल को कट कर लिया है छील कर अच्छे से। आइए इधर गीले मसालों में पहले हम लोग देखते हैं। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये ओनियन थोड़े कटे हुए हैं, ये ओनियन के थोड़े क्रश किए हुए जैसे पेस्ट बना लिए हैं, ये गरम मसाला पाउडर है। और आइए हम लोग सूखे मसालों में देखते हैं। हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, पांच फोरन और रेड चिली और ग्रीन चिली है, ये फोरन में डालने के लिए है। ये कसूरी मेथी है, थोड़े से गरम मसाला मैंने क्रश कर लिए हैं। ये किचन किंग मसाला है, सॉल्ट और बनाने के लिए ऑयल। आइए अब हम लोग कटहल की सब्जी बनाते हैं। जैसे ही हमारा पैन गर्म हो जाएगा वैसे ही हम लोग 3 से 4 चम्मच के आसपास इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो कोई और तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल में ये ज्यादा अच्छा और टेस्टी बनेगा। गर्म होने के बाद इसमें हम लोग 2 सेकंड रुक जाते हैं, उसके बाद गर्म होने के बाद इसमें हम लोग 5 फोरन और रेड चिली और ग्रीन चिली को डालेंगे और क्रैकल को आने देंगे। जैसे ही थोड़ा क्रैकल आ जाएगा तो इसमें हम लोग कटे हुए ओनियन को डाल देंगे और सेमी गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई कर लेंगे। ओनियन को भूनते भूनते अगर 1 पिंच हम लोग सॉल्ट डाल देंगे तो ये हमारा ओनियन थोड़ा जल्दी फ्राई हो जाएगा। देखिए, हमारा ओनियन सेमी गोल्डन कलर का फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम लोग कटहल को डालकर 5 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसे 2-4 बार चलाने के बाद टेम्परेचर को मीडियम पे कर देंगे, नहीं तो ज्यादा टेम्परेचर रहने पर यह हमारा कटहल कहीं जल सकता है, कहीं कच्चा रह सकता है। ऐसे बराबर से चलाते हुए फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से फ्राई होगा। देखिए, इसे फ्राई करते हुए 5 से 7 मिनट हो चुका है। अब सॉल्ट हम लोग इसमें डाल देंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डालें और टेम्परेचर को बिल्कुल लो कर दें और 1-2 बार चलाने के बाद इसे ढक ढक कर अब हम लोग पकाएंगे ताकि ये कटहल अब अच्छी तरीके से नरम भी कर जाए और फ्राई भी अच्छे से हो जाए। बीच बीच में इसे चलाते रहें। देखिए, सॉल्ट डालने के बाद ये मैंने 2 से 3 मिनट तक इसे फ्राई किया है। अब इसमें हम लोग थोड़े क्रश किए हुए ओनियन को डाल देंगे ताकि ये भी फ्राई होते अभी रहे और ओनियन भी हमारा थोड़ा नरम पड़ जाए। देखिए, मैंने टेम्परेचर को मीडियम पर रख लिया है, लो मीडियम पर है। ओनियन भी हमारा थोड़ा थोड़ा फ्राई हो रहा है, अभी और थोड़ा 1-2 मिनट और फ्राई होगा, उसके बाद हम लोग मसाले ऐड करेंगे। शुरू में ही क्रश किया हुआ गरम मसाला को डालना था, मैं भूल गई थी, लेकिन अभी बता दे रही हूँ। इसे डाल देंगे और इसे थोड़ा टेम्परेचर देके इसको फ्राई होने देंगे। इसके बाद इसे अब हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेके 1 मिनट और फ्राई करके हम लोग सारे मसाले अब डालेंगे। देखिए, हमारा कटहल अच्छी तरीके से फ्राई भी हो गया है और नरम भी पड़ चुका है। अब टेम्परेचर को इसको लो करेंगे और मसाले डालेंगे। हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, रेड चिली पाउडर
मैंने आधा चम्मच डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। किचन किंग मसाला पाउडर, ये भी हाफ चम्मच है, बीच बीच में इसे चलाते भी रहें। अभी हम लोग कसूरी मेथी भी इसमें डाल देंगे। गार्लिक और जिंजर के पेस्ट है, करीब 1.5 चम्मच है, मैंने सारा डाल दिया है। और इसे 1-2 बार चलाने के बाद हम लोग गरम मसाला पाउडर भी डाल देंगे ताकि ये भी फ्राई साथ ही हो जाए। और इसे लो मीडियम टेम्परेचर पर 3 से 4 मिनट तक हम लोग फ्राई करेंगे। देखिए हमारे सारे मसाले फ्राई हो चुके हैं, क्योंकि मैंने लो टेम्परेचर पर एकदम से ढक ढक कर पकाया भी है और फ्राई भी किया है। अब इसमें हम लोग पानी डालेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डालें कि आपको कितनी गाढ़ी ग्रेवी खानी है। और पानी डालने के बाद एकदम लो मीडियम टेम्परेचर पर ही इसे 2 से 3 मिनट तक और उबलने दें। देखिए हमारी कटहल की सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसमें पानी डालने के बाद 2 से 3 मिनट से ज्यादा ना पकाएं। ध्यान रखें कटहल को फ्राई करते समय ही आप अच्छी तरीके से नरम कर लें। अब इसमें हम लोग थोड़ी सी धनिया पत्ता को स्प्रिंकल करेंगे और उसके बाद 1-2 बार चलाने के बाद अब ये शानदार कटहल की सब्जी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आइए अब हम लोग इसको निकालते हैं। देखिए कितना यम्मी दिख रहा है, इसे आप घर पे जरूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। ये देखिए मैंने कटहल की सब्जी को पॉट में निकाल लिया है। अब इसमें ऊपर से थोड़ी सी धनिया पत्ता को स्प्रिंकल करेंगे। तो देखा दोस्तों आपने कितना शानदार लग रहा है ये हमारी कटहल की सब्जी, मेरी बताई ये रेसिपी। अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।